स्वागत बंधन। आज हम शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सूक्ति मोक्ति का, सूक्ति रूपी मोती, ये जो पद है मैंने आपको इसके जो पद्यों की जो शब्दार्थ हैं, जो अर्थ हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था। अब आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला दिया है एक पदे उत्तरम लिखा, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। सबसे पहला दिया है वित्तता क्षीण की दृशा भवती, क्षीण यानी धन से क्षीण कैसे होता, वित्तता माने धन, भवती की दृशा यानी कैसा, भवती होता, धन से क्षीण कैसा होता है, तो आपका उत्तर क्या अक्षीण, क्या आएगा अक्षीण, अक्षीण यानी क्षीण नहीं, धन से छीन कैसा होता है अछीना यानी छीन नहीं। दूसरा दिया है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशां न समाचरे, कस्य यानी किसके प्रतिकूल यानी प्रतिकूल कार्याणि कार्यों को परेशां यानी दूसरों के न समाचरे साथ नहीं करना चाहिए, किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, क्या आएगा आत्मन, आत्मन माने स्वयं के, आत्मन स्वयं के, कुत्र दरिद्रता न भवे, कहां दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कुत्र दरिद्रता न भवे, तो कहां दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, बचने, बचने यानी बोलने में, आप अच्छा बोलें, मीठा बोलें और ऐसा बोलें आपकी वाणी से लोगों को क्या मिले, संतुष्टि मिले, तो जो बोलने की जो शब्द भंडार है, जो अच्छे शब्द हैं आपको उनको बोलना चाहिए, तो इसलिए दरिद्रता कहाँ नहीं होनी चाहिए, बोलने में दरिद्रता, जैसे किसी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा, कोई कुछ अच्छा कर रहा, तो आपको बचने यानी बोलने शब्दों यानी बचने यानी बोलने में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, आप यहाँ पर वृक्ष की यदि बात आती है तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, वृक्ष दूसरों को फल देता है परंतु वह स्वयं फल नहीं खाता, तो यहाँ पर क्या आएगा फलानी, क्या आएगा फलों को, अर्थात फलों को नहीं खाता। पुरा का लब्धि भवती, लब्धि माने छोटी, पहले पुरा का लब्धि भवती, लब्धि माने छोटी, पहले क्या छोटी होती है छाया, पहले छाया कैसी होती है छोटी होती है। अब आता है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो आपको केवल संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दिया भी है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, अर्थात आपको जो प्रश्न उत्तर है वो कैसे लिखना है संस्कृत भाषा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है यत्नेन किं रक्षे वित्तं वृत्तं वा, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, रक्षे यानी किं माने किसकी, रक्षे यानी रक्षा करनी चाहिए धन की, या अब यहाँ वित्तं यानी चाहे धन की या वृत्तं या चरित्र, यत्नेन वृत्तं रक्षे, वृत्तं माने चरित्र, प्रयत्न पूर्वक हमको चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो फिर दोबारा वापस नहीं आता, इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, यत्ने दत्तम रक्षे, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि किं न समाचरे कीदृशम आचरणम् न कर्तव्यम्, हमारे अस्माभि यानी हमारे द्वारा किं न समाचरे, क्या नहीं करना चाहिए, अब कीदृशम आचरणम् न कर्तव्यम्, कैसा आचरण नहीं।
है हमारे द्वारा किम न समाचरे, किम माने क्या, ना समाचरे क्या नहीं करना चाहिए, तो और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम् आचरणं करिष्यामः न कर्तव्यम्। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम् आचरणं परेशान न कर्तव्य। हमारे जा देखिए, जो व्यवहार हमको अच्छा ना लगे, जैसे रहता ना कि हमको ये बात अच्छी नहीं वो बात अच्छी, तो जो व्यवहार हमको अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूल मैंने अच्छा, मतलब जो द्वारा हमारे द्वारा स्वयं को जो अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवा कई तुष्यन्ति, जंतवा प्राणी किस विधि से तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होता है, कई यानी किस विधि से, तो जंतवा प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यन्ति। देखिए जो प्राणी होता है, जो मनुष्य है, वो आपकी जंतवा यानी जो प्राणी वर्ग है वो आपकी प्रिय वाक्य यानी मधुर मीठी वाणी से प्रसन्न होते। कैसे उससे प्रसन्न होते हैं, वो मीठी वाणी। तो जो प्राणी है, जंतवा है, वो किससे प्रसन्न होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यन्ति। आप किसी से भी जब मीठा मधुर व्यवहार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो उससे सभी जंतु जो है प्रसन्न होते हैं। सज्जना मैत्री की दृष्टि भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होनी चाहिए, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो सज्जना मैत्री की दृष्टि भवति। तो सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी बुद्धिमती च पश्चात भवति। जो सज्जनों की मित्रता है पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। पहले कैसी होती है, छोटी लघ्वी, फिर इसके बाद कैसी होती है, इसके पश्चात बाद में बढ़ने वाली होती है, वृद्धिमती है ना, वृद्धि यानी वृद्धि होने वाली। तो इस प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवराणाम हानि कदा यानी कैसी होती है, हानि कब होती है उनकी, कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है, तो सरोवराणाम हानि मरालय सह वियोगेन भवति। सरोवरों की हानि हंसों के साथ वियोग से होती। देखिए जिस तालाब में हंस है वो तो सुंदर देखेगा, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वो हंस किसी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं तो जिस सरोवर से जाते हैं उसकी वो जो सुंदरता है वो चली जाती है। तो सरोवरों की हानि जो है हंसों के वियोग, जब हंस बिछड़ कर कहीं और सरोवर में चले जाते हैं तो उनसे होती है, ठीक है। तो सरोवराणाम हानि मरालय सह वियोगे भवति। आगे पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया है, का स्तंभे विशेषणानि, का स्तंभे विशेष्याणि, दत्तानि तानि यथोचितं वियोज्यत्। अर्थात का स्तंभ में दिया है विशेषण और का स्तंभ में दिए है विशेष, उनको आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। आप यहाँ पर ये दिया है का स्तंभ और ये दिया है का स्तंभ, ठीक। सबसे पहले दिया है आस्वाद तोया, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आस्वाद तोय का नद्य। फिर दूसरा खा दिया है गुण युक्त, ठीक है, तो गुण युक्त दिनस्य पूर्वाद भिन्ना, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, दिनस्य पूर्वाद भिन्ना का फलाना मैत्री, दिनस्य पराद भिन्ना तो सज्जना नाम मैत्री। ये आपको यहाँ पर उसके उत्तर दिए गए हैं और आपको इनको खूब अच्छे से आरभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वाद पराद भिन्ना चाहे मैत्री कल सज्जना नाम। दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का, मतलब वचन में कैसी दृढ़ता, इसका जो सारांश है वो दिया हुआ है पूरे भावार्थ के साथ, तो आप उसको से कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे दो श्लोकों के अर्थ आपको लिखो लिखने।
पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखः। नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनकर लिखो। सबसे पहले दिया है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वम और हंतव्यम। तो नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृति के शब्द को क्या करना है, आपको चुनकर लिखना है। आपने दिया है इसमें तीन दिया, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वम और हंतव्यम। इसमें क्या आएगा, सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक है। फिर इसमें था में देख के लिखा यत्ने, बचने, प्रिवात, प्रदाने, मराने। इसमें क्या है आएगा, सब में से प्रकृति में से भिन्न क्या है, बचने। श्रूयता, अवधारिता, धनवता, क्षम्यता। श्रूयता, अवधारिता, धनवता और क्षम्यता। इसमें पे अब सब में देख के आप सबसे प्रकृति किसकी भिन्न है, अलग है, वह है धनवता, ठीक। इसके बाद दिया है जंतवा, नद्यः, विभूतयः, परितः, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, भिन्न वाला परितः। अब यहाँ पर प्रश्न है स्थूल पदान्य दीर्घ प्रश्न वाक्य निर्माणम को। आपको जो मोटे मतलब शब्द दिए हैं उसके आधार पर आपको प्रश्नों का या मतलब जो है उसके प्रश्न निर्माण करना है, आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे ये दिया है का व्रतता छीणा हता भवती, ठीक है ना। तो व्रतता छीणा हता भवती, चक्र से हीन का सब कुछ नष्ट होता। अब इसका हमको क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कस्मात छीणा हता भवती, यानी किससे, ये हो गया प्रश्न। तस्मात यानी प्रश्नवाचक हो गया, पर किससे इनका सब कुछ नष्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है धर्म सर्वसम सुत्वा अवधारिता, इसका भी प्रश्न निर्माण करना है। धर्म सर्वसम तो किसका, यानी कि क्या है, क्या धर्म का शासन का धारण करना चाहिए। तो प्रश्न निर्माण में क्या लग जाएगा, किम, किम सुत्वा अवधारिता, यानी क्या सुनकर धारण करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया प्रश्न निर्माण। वृक्षा फलम ना खादंती, अब इसका भी हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण, क्या होगा, के फलम ना खादंती, के फलम ना खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं। तो ये बन गया कौन के माने कौन। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण हो गया। खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। तो ये जो प्रश्न निर्माण है, तो अब चूंकि हमें इसका प्रश्न बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, केशाम यानी किनकी, केशाम माने किनकी मित्रता आरंभ, मतलब केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, किनकी मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती। इस प्रकार से ये आपका क्या बनेगा, प्रश्नों का ये निर्माण। आप यहाँ पर देख के दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकार, आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है, लोट लकार में बनाना है। जैसे दिया है सह पाठम पठति, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या जाएगा, लोट लकार, सह पाठम पठतु। आप का दिया है नद्या आस्वाद तोया संति, ठीक है ना। फिर दिया है का सा सदैव प्रिय वाक्यम वदति, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, ते दत्तं यत्नेन रक्षन्ति, अहं परोपकाराय कार्यं करोमि। तो जैसे सबसे पहले दिया है, देखिए इसका उत्तर नद्या आस्वाद तोया संति, उसका क्या आएगा, सह आस्वाद तोया संति, आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। सा सदैव प्रिय वाक्यम वदति, क्या जाएगा, सा सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, ठीक है। फिर है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। फिर है ते दत्तम यत्नेन रक्षन्ति, ते
प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया समझाया, कॉपी में आप इसको लिखिएगा और परीक्षा के लिए तैयार करिए। धन्यवाद।